राहुल, हमारा कंपनी का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारा कंपनी नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है। तो हमारा कंपनी का नाम है ग्लेज। ग्लेज से दो तरीके से बांटा गया है, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है बिजनेस। तो हमारा 200 का प्लस प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फाइड कस्टमर है। हमारा कंपनी का सब टाइप है, जैसे टाटा है, मुल्तानी है, कुबेर है, नटराज है और ताप्स है। तो आप 3000 का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, 2000 का और 1000 का, 500 का व 50 का है। तो आप 3000 का प्रोडक्ट शुरुआत कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको कम से कम 400 का मुनाफा हो सकता है। और दो हज़ार का लेगा तो आपको करीब 100 से 150 का मुनाफा होगा, और 1000 का लेगा तो कम से कम 50 से 100 का मुनाफा होगा, और 550 का तो बात नहीं करते। चलिए, तो हमारे प्लान बिजनेस प्लान क्या है? हमारे प्लान का बिजनेस प्लान का अंदर 11 तरीका से इनकम आपको मिलेगा। तो एक है, पहला है रिटेल है, वहाँ से आपको 20% मुनाफा मिलेगा। तो एमआरपी मान लीजिए 120 का है, 120 का है, डीपी आपका 100 रुपये का है, वहाँ से आपको 20 रुपये का मुनाफा हो गया। मान लीजिए आप खुद यूज करेंगे तो वहाँ से आपको 20 रुपये मुनाफा मिलेगा। किसी को देगो तो आप उसी हिसाब से आपको 20 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा है पीवी परफॉर्मेंस बोनस, तो वहाँ से आपको 5%, 7%, 9%, 11%, 14%, 17%, 19%, 21%, 21%। अरे दोस्तों, अभी आप घर में भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके कम से कम 3600 का प्रोडक्ट, मान लीजिए 3600 का प्रोडक्ट आपको हर महीने में मतलब खर्च होता है, ये होता है एमआरपी। तो वहाँ से हम गैलोई कंपनी से लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कंपनी है, एक दुकान से लोगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ मुनाफा हो सकता है। जैसे आप 3600 का प्रोडक्ट लोगे, और प्रोडक्ट लेने के बाद तो क्या होगा, आपको 2400 रुपये का प्रोडक्ट मिलेगा डीपी रेट से। तो वहाँ से कंपनी आपको 1000 भी देता है। तो आप 11% जो होता है, 11% का मास्टर कहा जाता है। आप मान लीजिए 15000 पीवी का जो टर्नओवर करते हैं, तो वहाँ से आपका करीब खर्चा होगा 2,70,000 का, तो आप मास्टर बन जाओगे, तो 11% लेवल का आप हकदार बन जाओगे। तो उसी हिसाब से आप मान लीजिए 10,500 का 0+3 मंथ का अंदर आप 10,500 कर दोगे तो आप मास्टर लेवल आपको मिल जाएगा, 11% का हकदार मिल जाएगा। वहाँ से आप करीब खर्च होगा
1,80,000 का। पीवी से मतलब आप 5% निकालोगे तो 15 का आपका मुनाफा होगा, तो वहाँ से 11% का आप हकदार बन जाओगे, तो 11% का आप हकदार बन जाओगे तो वहाँ से आपको 110 रुपये का मुनाफा होगा। मान लीजिए आप 21% का हकदार बन जाओगे तो वहाँ से आपको 210 रुपये का मुनाफा मिलेगा। तो वहाँ से आप बहुत कुछ बहुत सारा आप मुनाफा मिल ले सकते हो, जैसे मास्टर MB मास्टर बोनस, दूसरा है PMB प्रोफेशनल मास्टर बोनस, तीसरा है TMB ट्रेडिशनल मास्टर बोनस, चौथा है आपका ट्रैवल बोनस, ट्रैवल फंड, कार बोनस, हाउस बोनस, क्लब, सातवां है रिटेलिंग रॉयल्टी, तो दोस्तों राहुल आप बताओ आप ये सब मुनाफा कब मिलेगा आपको, जब आप एक आदमी को आपका नीचे एक आदमी को 11% का हकदार बना दोगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, आपको क्या देगा, वहाँ से आपको टीएफ मतलब जो बाहर में जाते हैं ना इंसान, तो उसी हिसाब से ट्रैवल फंड आपको देगा। तो आपका नीचे एक इंसान को बना दोगे तो आपको ट्रैवल फंड देगा, तो आप जा सकते हो, तो आपका अकाउंट में अकाउंट से आपको पैसा वहाँ से आप खर्च कर सकते हो। दूसरा है आप नहीं जाओगे तो आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आप उसी हिसाब से 11% हकदार को दूसरा इंसान को बना दोगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, कार बोनस आपको मिलेगा। कार बोनस करीब सर कंपनी ने आपको 60% 60,000 रुपये देता है। अब आपका नीचे दो आदमी को मास्टर बना दोगे तो 11% का हकदार बना दोगे तो उसी हिसाब से आपको कंपनी 60,000 रुपया आपको क्या कार बोनस देगा। आप क्या आप जॉब चाहोगे उसी हिसाब से आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे तो मैं गाड़ी लेगा, उसी हिसाब से आपको डायरेक्टर साहब ने आपको खुद आके गाड़ी देगा। उसी हिसाब से आप छः आदमी को मास्टर बना दोगे तो उसी हिसाब से आपको हाउस फंड देगा कंपनी ने, आपको हाउस फंड का पैसा देगा करीब 90,000 का। तो आप 6 आदमी को बना दोगे तो उसी हिसाब से आपको हाउस बोनस का ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा। तो और एक है जैसे हमारा बिजनेस डेवलपमेंट जैसा हमारा है, हमारा जो कंपनी का बिजनेस वहाँ से आपको टेंडर का पैकेज, एक है टेंडर का पैकेज, टेंडर का पैकेज कितना है 11,000 का है प्लस GST, तो वहाँ से आपको क्या मुनाफा होगा करीब 5,600 फ्री प्रोडक्ट मिलेगा आपको।
तो आप उसी हिसाब से मान लीजिए आप रिटेलिंग करते हैं, रिटेलिंग करने के बाद आपको जिस महीने आपका पैसा नहीं है वहाँ से आप रिटेल कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से कंपनी आपको 7%। राहुल, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर तो ये है तो होता है हमारा स्टैंडर्ड पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज का 11,000 का प्लस GST प्लस कंपनी आपको दे रहा है 5,600 का फ्री प्रोडक्ट, तो वहाँ से आपको मिल रहा है आपको 7% लेवल का हकदार मिल रहा है प्लस 600 PV आपको दे रहा है और दे रहा है आपको आपको दे रहा है 15,000 का 15,000 का यानी आप जिस हिसाब से आप कंपनी से मान लीजिए प्रोडक्ट लेगा लेने के बाद आपको पैसा नहीं है उसी हिसाब से आपको 15,000 का परफॉर्मेंस बोनस दे रहा है, जैसे आपको उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट को खरीद कर सकते हैं। दोस्तों बाकी जो तीन बातें हम करेंगे तीन चीज़ का, पहला चीज़ है आप सेल्फ यूज करें, दूसरा है 70 से 70-110 का लिस्ट, वहाँ से आपको 20 से 30 लोगों को काम करने का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ से आपको अपना सपना महोत्सव सब कुछ पूरा हो सकता है। बाकी राहुल जी आप बताए, ये जितना आप मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया इसमें कुछ आपका सवाल है? थैंक यू। तब चलिए तो शुरुआत करते हैं, मैं जितना टाइम आपको समझा है उसी हिसाब से आपको समझ में मिला? जी सर। ओके थैंक यू।